आज का 70 टॉप में। गोरखपुर में पीएम मोदी ने आज खाद कारखाना और एम्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला किया, कहा नियत के सामने आप दाएं अवरोध नहीं बनती। पिछली सरकारों के ये कारखाने बंद थे, डबल इंजन की सरकार में डबल तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आरोपों पर पलटवार किया। गुरुदासपुर में लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं काला हूँ, लेकिन दिल वाला हूँ, मेरी नीयत साफ है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मौजूदगी को लेकर पीएम मोदी ने फिर सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि कोई बिल हो ना हो, सदन में सभी सांसदों का रहना अनिवार्य है। पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी सांसद खुद में बदलाव लाए, नहीं तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। राहुल गांधी ने आज संसद में किसान आंदोलन के बहाने सीधे पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने माफी मांगकर साबित कर दिया है कि उन्होंने गलती की थी। राहुल ने कहा कि मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, मेरे पास मृतक किसानों की लिस्ट है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, गांधी मूर्ति के सामने बैठकर अपना विरोध जताया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के विदिशा में गंजबा सौदा के सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन पर 8 बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लगने से हड़कंप मचा है। इस मामले पर हिंदुवादी संगठनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, तो स्कूल प्रबंधन ने धर्मांतरण के दावों को झूठा बताया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आड़ में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया सूत्रों की माने तो पीओके में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया अलर्ट के बाद एलओसी पर चप्पे चप्पे पर नजर है। रूस के साथ भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम डील पर चीन बौखला गया है। चीन ने कहा है कि भारत अपनी अमेरिका नीति पर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। चीन का दावा है कि इस डील से या तो अमेरिका पर दबाव रहेगा या फिर अमेरिका ने ही ये डील कराकर चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल किया है। चीन नए नए हथियारों के साथ युद्धाभ्यास के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। इस बार पीएलए ने रॉकेट के साथ विस्फोटक रस्सियों से ड्रिल किया है। रॉकेट से विस्फोटक रस्सियों को उन इलाकों तक पहुंचाया गया जहां टारगेट को तबाह किया जा सके। इस हथियार का नाम माइन स्वीपर रॉकेट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।